हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन को, इसमें आज मैं बताने वाला हूँ आपको अपने बैकलिंक्स, जो कंप्यूटर्स के बैकलिंक्स हैं, वो कैसे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गूगल ब्राउज़र को, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और गूगल पे सर्च कीजिए anilpatel.com। अभी आप नील पटेल को जानते ही होंगे, बहुत ही बड़े डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। इन्होंने अभी नया रिसेंटली टूल स्टार्ट किया है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी कंपनी का ही आपको चेक करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने सर्च किया, इस टूल के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं, ऊपर सजेस्ट नाम से है। यहाँ पे जितने भी टूल्स मैंने यूज़ किए हैं आज तक, वो सारे पेड टूल्स हैं, चाहे ऐसे मेरा शो हो, चाहे कोई सा भी टूल हो। इतनी फ्रीबीज जो है, इतने एक्सप्लेनेशन में डेटा बहुत ही कम टूल्स देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको चार्ज करने लगे हैं, तो आप पूरा डेटा या पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी एसईओ टेक्निक्स नहीं यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने बैकलिंक्स को, जहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, कितने ऑर्गेनिक आए हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ से आप ओवरव्यू वन बाय वन चीज़ें देख सकते हैं, कीवर्ड आइडियाज़ ले सकते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स आइडियाज़ के लिए एंटर किया, कीवर्ड आइडियाज़ आपके सामने होंगे। ये देखिए, यहाँ पे कीवर्ड्स आइडियाज आ गए हैं आपको, किस तरह से आपको कौन कौन। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हुनर बाज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी फ्रेंड्स फॉर द डिले इन दिस वीडियो, बिकॉज हमारा ऑफिस न्यू सेटअप हो रहा था। जैसा कि आपने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी देखा होगा, व्हाट्सएप स्टोरी पे देखा होगा, तो उसी के प्लानिंग में, उसी के एग्जीक्यूशन में, सेटअप में, इंटरनेट कनेक्शन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उन्हीं को हम सॉर्ट आउट करने में बिजी था। सो रियली सॉरी फॉर दैट। मैं फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे साथ। आज हम आज हम बात करने वाले हैं बैकलिंक्स की। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे जो बड़ी पावर है वो बैकलिंक्स के अंदर है। आप सभी को पता है कि बैकलिंक्स क्या चीज़ है, वो मैं फिर से बेसिकली बता देता हूँ। बैकलिंक्स ये चीज़ है कि जैसा कि गूगल कैसे समझता है कि आपकी वेबसाइट अच्छी है, बुरी है, या फिर कैसे ऊपर लेके आता है, उसके एल्गोरिथम्स क्या हैं, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो बैकलिंक्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, या फिर ऑल ओवर जहाँ पे भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उस कंट्री या उस रीजन की कितनी ट्रस्टफुल वेबसाइट्स आपके बारे में बोल रही है, आपके बारे में बात कर रही है, आपके बारे में लिख रही है, उनके थ्रू जो लिंक्स आता है, वहाँ से जो अगर ट्रैफिक आता है, उस लिंक्स को हम अपन हम कहते हैं बैकलिंक्स। वो ट्रस्टफुल वेबसाइट्स के थ्रू जो ट्रैफिक आएगा, उसके थ्रू गूगल जज करता है कि इतनी ट्रस्टफुल वेबसाइट्स इनके बारे में बोल रही है, तो कुछ ना कुछ वेबसाइट्स में अच्छा होगा, तो उन वेबसाइट्स को अपनी ऊपर रैंकिंग देना शुरू कर देते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करें, क्या करें, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर नहीं होगी। हम आज बात करने वाले हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स कैसे पता करें, और उसके थ्रू अपने बैकलिंक्स क्रिएट करना बहुत ही आसान हो जाता है फ्रेंड्स। आज उसी पे बात करने वाले हैं कि आप बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रस्टफुल वेबसाइट्स हैं, कहाँ कहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, बट आपको ये नहीं पता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आज एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, ऐसा टूल बताने वाला हूँ आगे स्क्रीन शेयर के थ्रू, जिसके थ्रू आप बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं, आपको पहले रिसर्च करनी जो पड़ती थी वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनका अच्छा खासा रेवेन्यू है, अच्छा खासा ट्रैफिक है वेबसाइट पे, उसके आप ए टू जेड बैकलिंक्स आपको पता चल जाएंगे विद इन अ सेकेंड्स के अंदर। जितने भी बैकलिंक्स हैं वहाँ से आप देख लीजिए, और उन पर आप जाके जैसा उन्होंने किया है वैसा का वैसा आप करते जाइए, कंटेंट सबमिट करते जाइए, चाहे वो कोरा पे बैकलिंक हो, चाहे हैकर अर्थ पे हो, चाहे कोई सी भी वेबसाइट पे, वो सारे लिंक्स आपके सामने ला के रख देगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारे पेड टूल्स भी हैं, मोज हो गया, एसएमई रश हो गया, बट मैं आज पेड टूल्स की बात नहीं करने वाला फ्रेंड्स। हमें मुझे पता है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो टूल्स पे $100, $500, $50 फॉर ए मंथ के लिए चार्ज पे कर सके। इसी के लिए आज हम ओनली फ्री टूल्स की बात करेंगे कि आप बैकलिंक्स कैसे पता कर सकते हैं, और उसके थ्रू अपने बैकलिंक्स की स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, कितना ट्रैफिक है, कौन से, तो अपने को बैकलिंक्स पे बात करनी थी, तो अपन बैकलिंक्स पे आ जाते हैं। ये बैकलिंक्स, एक सेकेंड,
बैकलिंक्स पे अपन क्लिक करते हैं। रिसेंटली लॉन्च हुआ है टूल्स, आप देख सकते हैं। जैसा कि मेरे वेबसाइट के ऊपर 42 बैकलिंक्स हैं, 42 बैकलिंक्स का कैसा अच्छा कैसा रेस्पॉन्स रहा है वो आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं कि 42 बैकलिंक्स को मैं चेक कर सकता हूँ वन बाय वन, कितने बैकलिंक्स हैं। यहाँ से ओपन करके आप अपनी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कहाँ पर बैकलिंक्स हैं। तो किसी भी वेबसाइट का फ्रेंड्स आप इस तरह से अपना बैकलिंक्स चेक कर सकते हैं, जैसा कोई भी वेबसाइट है। तो इसके थ्रू आप इजीली एन एक्सपो सी एस वी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नो फॉलो डू फॉलो कौन से हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टूल है फ्रेंड्स, इतना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना सारा डेटा आपको कोई भी कीवर्ड नहीं देगा, आपको कोई भी टूल नहीं देगा, कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो आप इस टूल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, ना कि पेड टूल्स को यूज़ करके, क्योंकि इनिशियली अपने स्टार्टअप्स हैं वो पेड टूल्स नहीं बाय कर सकते। इनके थ्रू आप उनकी स्ट्रेटेजीज़ को पता कर सकते हैं, अपनी कंपनीज़ के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, थैंक यू।